अरे अरे रुको बच्चों, मैं आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग में राजा दशरथ थे। राजा दशरथ के तीन रानियाँ थी। तीनों रानियों के नाम, पहली रानी का नाम था कौशल्या, दूसरी रानी का नाम था केकई जो बहुत ही प्यारी थी और श्री राम को बहुत प्यार करती थी, और तीसरी रानी का नाम था सुमित्रा। इनके चार पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम सबसे बड़े पुत्र थे। राजा दशरथ श्री राम को राज्य देना चाहते थे और उन्हें सिंहासन, लेकिन केकई अपने पुत्र भरत को उस राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी। उसने राजा को महल में बुलाया और कहा, महाराज तुम्हें अपने दो वरदान याद हैं कि नहीं जो तुमने मुझे युद्ध के मैदान में दिए थे? एक तो भरत को राजगद्दी और दूसरा श्री राम को 14 बरस का वनवास। राजा दशरथ कहते हैं, अरे अरे तुमने केकई यह क्या बात कर दी, मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा लेकिन श्री राम को वनवास नहीं भेज सकता। और फिर क्या, श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण तीनों वन को चल दिए। श्री राम, सीता माता और भरत भाई के साथ चलते चलते वह थोड़ा विश्राम करने के लिए एक जगह पर रुके। तभी वहाँ पर रावण की बहन सुपर्णा आई और इन श्री राम के और लक्ष्मण के रूप को देखकर मोहित हो गई। वह सुपर्णा अपना भयानक रूप छोड़कर एक सुंदर स्त्री के रूप में आ गई और श्री राम के पास आकर बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे रूप को देखकर बहुत ही मोहित हो गई हूँ। श्री राम ने उससे कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी सीता है और मैं उसे जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे भाई से पूछ कर देखो। फिर सुपर्णा लक्ष्मण के पास गए और यही बात लक्ष्मण को बोली। लक्ष्मण से ने उसे धुतकार दिया, जाओ सुपर्णा यहाँ से। सुपर्णा को गुस्सा आ गया और वो अपने असली रूप में आ गई जो बहुत ही भयानक था। अपना अपमान सहा नहीं गया उस पर और अपने बड़े ही भयंकर रूप में प्रकट होकर बोली कि मैं तुम लोगों से बदला जरूर लूंगी। भाई भाई मैं वन में श्री राम से मिली और मैं उनके रूप को देखकर बहुत ही मोहित हो गई, लेकिन उन्होंने मेरा अपमान किया है और मुझे मना कर दिया। अब तुम क्या किया? रावण बोला, बहन तुम्हारे अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। रावण ने एक मायावी राक्षस को बुलाया और श्री राम और लक्ष्मण को मार देने का आज्ञा दी। वह राक्षस एक सुंदर हिरण के रूप धारण कर श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण के सामने पहुंचा। सोने से बने हिरण को देखकर सीता माता बहुत ही मोहित हो गए और उन्होंने श्री राम से कहा कि मुझे यही हिरण चाहिए, आप मेरे लिए यह हिरण ले जाओ। हिरण दूर भाग गया। तभी श्री राम और लक्ष्मण उस हिरण के पास भागे उसे पकड़ने के लिए। तभी रावण उस कुटिया के पास सीता को पकड़ने आया और उसे जबरदस्ती ले गया। बच्चों फिर क्या, सीता माता को तो रावण उठा के ले गया। जब श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया पर आए तो उन्हें सीता माता नहीं दिखी और वो बड़ी ही परेशान हो गए। फिर श्री राम को वन में हनुमान जी मिले जो बहुत ही स्ट्रांग थे और बहुत ही सॉलिड फाइटिंग करते थे, और हनुमान जी के साथ उनकी बड़ी सेना। श्री राम और लक्ष्मण ने हनुमान जी को सीता माता को ढूंढने का आज्ञा दी। सीता माता को ढूंढने के लिए समुंदर पार करके
हनुमान जी लंका पहुँचे। लंका पहुँचते ही सीता माता उन्हें अशोक वाटिका में बैठी दिखी। उन्होंने सीता माता को प्रणाम किया। यह न्यूज़ हनुमान जी ने श्री राम को आकर बताई कि सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। श्री राम जी रावण से बहुत ही गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी माता सीता को जला लिया था। श्री राम ने बारह सेना को आज्ञा दी कि वे सेतु पुल बनाए जिससे कि श्रीलंका में घुसा जा सके, और बारह सेना ने ऐसा ही किया। उन्होंने बहुत पत्थरों का सेतु पुल बनाया, जिस पर एक एक पत्थर पर उन्होंने श्री राम लिखा था। अब सेतु पुल बनकर तैयार था, और श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ राम श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। उधर रावण भी अपनी लंबी सेना के साथ खड़ा हुआ था राम जी से फाइटिंग करने के लिए, लेकिन गंदे लोग तो कभी जीतते ही नहीं है ना। रावण मारा गया श्री राम के हाथों। अब तो भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। जब श्री राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में घर घर दिए जलाए, मोमबत्तियां जलाई और पटाखे फोड़े। पूरी अयोध्या नगरी को झिलमिल कर दिया और अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया। और तभी से हम इस दिन को दीपावली के रूप में मनाते हैं, दिए जलाते हैं और घर घर लाइटिंग जलाते, पटाखे फोड़ते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियोज़।